What is up public? Hello, कैसे हो आप सब? कैसे हो सब? तो वापस आ चुके हैं. Yes, and this time it's not a song or a trailer. Yes. बहुत दिनों बाद ये वीडियो कर रहे हैं कैरी मिनाटी भाई का. लास्ट कौन सा किया था वो भी नहीं याद है. लास्ट जो उन्होंने स्पूफ का पैरोडी बनाया था वही किया था. कौन सा? कुछ तो था ना where he was acting सद्गुरु also. हाँ. वो किया था लास्ट. उसके पहले एक गाना भी आया था ना उनका. हाँ ना. काफी टाइम हो गया नहीं उनको भी. रोस्ट क्रेडिट्स क्रिएटेड रिटन बाय कैरीमिनाटी. कैसा लगा ना रोस्ट क्रेडिट्स एडिटेड बाय कैरीमिनाटी. क्या बात है, वाह. स्केच क्रेडिट्स कैरीमिनाटी, प्रोड्यूसर कैरीमिनाटी, पिक्चर एक्टर्स पूरव झा एंड कैरीमिनाटी, डायरेक्टेड बाय परीक्षित जोशी. म्यूजिक होता है क्या इसमें? साउंड डिजाइनर दीपक पुजारी. क्या बात है. साउंड एडिटर मयूर आगम. सही है. बाप रे, बहुत बड़ी टीम है ना. ओहो ओहो. वो ऐसे रियल सेट्स पे जाके भी करता है ना. ओहो बाप. चाहे नीचे तो सबको क्रेडिट देना ही पड़े ना. कार वाले को, टेम्पो वाले को, डीआई कलरिस्ट, बूम ऑपरेटर, साउंड रिकॉर्डिंग, अखिलेश पी सिंह. क्या बात है भाई. तो कल फर्स्ट ऑन ट्रेंडिंग ऑलरेडी 14 मिलियन व्यूज. कल ही आया वीडियो और वीडियो का नाम है वड़ा पाव और चाय. टाइटल पे मत जाना, फैमिली के साथ मत देखना. अच्छा ऐसा है. हाँ, टाइटल एकदम संस्कारी है लेकिन सॉरी दोस्त हेडफोन पहन के शांति से कोने में बैठ के देखना, ठीक है इनके सारे वीडियो ऐसे देखने पड़ते हैं. चलिए फिर सुनते हैं, देखते हैं क्या है इसमें वड़ा पाव और चाय के साथ. मेरे को लगता है वड़ा पाव और चाय का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है. हाँ ऐसा करते हैं ना, क्लिकबेट. Not exactly, but हाँ, kind of. अच्छा अच्छा कुछ अच्छा दिख तो रहा है. कुछ वड़ा पाव गल दिख रही है मेरे को शायद. अच्छा ओके ओके ओके, I got it. और चाय में शायद मैं समझ गया कौन होगा. पुर वाला. हाँ डॉली सूरत आया था ना ये भाई. अभी तो है भाई. तो फिर हाँ क्या. हाँ सूरत आया कल परसों आया था शायद. ओके चलिए फिर तो देखते हैं, मजो करते हैं. रेडी चलिए फिर 3, 2, 1 एंड स्टार्ट. वड़ा पाव लेके आप 0 कैलोरी. अरे अभिषेक को बुलाओ, लेके आए. कैसे आप लोग ये देख रहे हो, ये क्या है? ये वड़ा पाव नहीं, बकचोदी का यंत्र है, कलेश की किलकारी है, बिग बॉस में जाने की चाबी है. ये आजकल बाथरूम में फोटो लगी रहती है. लाते हैं फूड ब्लॉगर और इस महाशक्ति को सिर्फ एक महिला कंट्रोल करती है, वड़ा पाव गर्ल. कभी इनके बच्चे ऐसे करते कभी नहीं. पहला ठेला देख रहा हूँ जहाँ वड़ा पाव के साथ रंडी रोना कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है. 2 दिन से डिप्रेशन में हूँ, नींद की गोलियाँ खाई थी, काम नहीं करी, गैस और बन गई. ले चूते तेरे 4 वड़ा पाव. ये 4 ही वड़ा पाव देती है, पता है सबको. क्या बच्चा भूखा मार दिया. लेकिन दीदी के माइक लग रहे हैं, कैमरा लग रहे हैं, फुटेज देना ज्यादा जरूरी है. मतलब क्या गजब दुनिया यार. पाव बने ना बने, वड़ा तले ना तले, चटनी लगे ना लगे, बिना लौड़ा लहसन के वड़ा पाव नहीं. सड़क पे इलीगली ठेला लगा के शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के. नहीं भाई था 4 पैक कैसे करूं भाई. मैं हाथ में दे रही हूं, ठेली दे रही हूं. ये लोग ये गेंड बनता है. ये पहले ठेले वाली है जिसके कस्टमर पैसों के साथ दिलासा भी देते हैं. मत रो दीदी कुछ नहीं है. आप चलो रुको. और कस्टमर्स को बदले में क्या मिलता है? ले लोड़ू पैक कर ले. एक काम कर, वड़ा पाव भी हमें बना लेते तो सड़क पे बैठ जा. माँ चुदाई टाइपराइटर की नौकरी, मैं भी ठेला खोलूंगा. ये देख लो बिग बॉस सड़क छाप एडिशन, क्योंकि इतने कलेश के बीच में भी माइक नहीं उतर रहा है. और ये छाती कौन पीट रहा है? अरे औरतों के कलेश से दूर रहो भैया, दूर रहो. ये जब आटा गूंथती होगी पाउडर बन जाता होगा. अब एक नॉर्मल वड़ा पाव 10 से 20 रुपए का आता है, लेकिन दीदी 50 रुपए का बेचती है. टाके लगे हुए मुँह में, खड़ी क्या है? टाके मुँह में लग रहे हैं, तकलीफ खड़े होने में हो रही है. चूचा चूचा सारी सिंपत्ति चूचा. कस्टमर की प्लेट में गाढ़ी चटनी होती है, रो रो के पतली हो जाती है और फिर एकदम से हिट होता है. मैं तो वड़ा पाव खाने आया, तभी तो वड़ा पाव के 50 रुपए है. लेकिन दीदी का मानना है 50 रुपए में क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगी दिल्ली की. कोई ओवर प्राइस चीज बेच के अमीर थोड़ी हो सकता है. ना 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 ना, दीदी तो गरीब है, गरीबों में गरीब है, महा गरीब. अगर यकीन नहीं होता तो बेचारी की हालत देख लो. माय गॉड, सच में गाड़ी, दीदी का गरीब आईफोन, दीदी के गरीब कपड़े और पर्स. और ये सारी गरीब चीजें वड़ा पाव बेच के थोड़ी ली है. वो तो बस एक फैमिली बिजनेस है चूतिया काटने का. तो एक बात बताओ, आप लोग मेरी वीडियो बना के जाते हो, इनको व्यूज मिलते हैं, इनको यूट्यूब पैसा देता है, मेरा क्या फायदा? हरकतें चाहे ठेले वाली हो, एटीट्यूड 5 स्टार के शेफ वाला होना चाहिए. लेकिन सही बात है यार, क्या फायदा. बिग बॉस में आ गई, बोलिए सीरियसली। अरे क्या बात है, सेलिब्रिटी कस्टमर के साथ फोटो खिंचवा रही है, कस्टमर के कुत्ते के साथ फोटो खिंचवा रही है। लेकिन मेरे क्या फायदा, मेरे क्या फायदा। अरे वड़ा पाव की रोनाल्डो, और क्या चाहिए। यूट्यूब चैनल तेरे नाम कर दे, हजारों भूखे कस्टमर आ जाए, सबसे ज्यादा भूखी तो यही बैठी है। इस रोड पे ना कुत्ता नहीं भौंकता था, आगे जाके एक मर्डर। अरे 2 मिनट चुप रहेगी तो बड़ा पाव ज्यादा बिक जाएंगे। इतना बतियाती है, इतना बतियाती है, इसका पति भी परेशान हो रखा है। आज मेरी वजह से इतने लोग हैं, सुबह से भीड़ लगी हुई है, 2 वड़ा पाव नहीं बेचे। उस बंदे की इसका कौन-कौन सस्पेंड होगा। कसम बेरोजगार मर्दों की, पैसा ना कमा रही होती तलाक दे देता। अब आजकल जो भी इन्फ्लुएंसर बनता है, कंटेंट डाले ना डाले ये जरूर बताता है कि मैंने स्ट्रगल कितना किया। 2 थैली बेचती थी, बारिश होती थी, रोटी के लिए लंगरों में लगते हुए देखा खुद को। ओए बस पगली, रुलाएगी क्या। इतना तो मैं बॉबी की एनिमल देख के नहीं रोया। अब एक बार ये देख लो, 2 साल पहले भी मेरी बहुत अच्छी रेपुटेड जॉब थी। आज भी अच्छा कमाती हूँ, कल भी जी रही थी, आज भी जी रही हूँ। मैंने कभी वर्ड यूज ही नहीं करा। दीदी की पीआर टीम, दीदी के हॉर्मोन्स है, जैसा मूड वैसी कहानी। तो कुल मिला के दीदी से ज्यादा स्ट्रगल टाइगर श्रॉफ की दाढ़ी ने किया है। दीदी से ज्यादा स्ट्रगल वो पुणे के बिल्डर के बच्चे ने किया था ऐसे लिखने में। और दीदी से ज्यादा स्ट्रगल दीदी के कस्टमर की गांड करती है, जब सुबह सुबह वो 50 रुपए का बड़ा पाव निकालना होता है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए खड़ी हुई, वरना कॉल करके बोलती मैं नहीं आ रही, बात खत्म हो जाती। 3 हाथ पैसे लेके खड़े, उन्हें सीन पे छोड़ रखा है, क्योंकि कस्टमर तो झाट के बालों की तरह, एक निकलता 2 और आ जाते हैं। और अगर तुम्हें एटीट्यूड नहीं पसंद तो दीदी के ठेले पे लिखा हुआ है, माय लाइफ माय वड़ा पाव, खाना तो खाओ वरना माँ चुनाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही। अरे ठेले वालों की माधुरी दीक्षित बोलना बंद करेगी तभी तो सांस आएगी। कसम से मैं इसके ऊपर एक किताब लिख सकता हूँ और पहले पेज पे ये लाइनें लिखी होंगी, दीदी को अपना पति तभी हॉट लगता है जब वो ठेला खींच रहा। दीदी के कस्टमर हस्त मैथुन की जगह दस्त मैथुन करते। दीदी की email ID है नहीं दूंगी .lodapao@bachodi.com। अब तुमने कभी किसी भैंस और ऊँट के बछड़े को लड़ते हुए देखा है। दिल्ली का सबसे टॉप मनोरंजन, औरतों का कलेश। अच्छा अब लड़ रहे हो, नाच रहे हो। ये किसका हाथ है जो इतना परफेक्टली सेंसर मार रहा है। एक ऐसा हाथ तो मुझे भी चाहिए। अब गुथाई के बाद पुलिस आ गई, पुलिस ने दीदी को गाड़ी में भर लिया। किस लॉ के तहत आपने ये काम करवाया, मुझे वो बता दो। अरे बड़ा पाव गल, पाव भर तो इज्जत रख ले। पुलिस की गाड़ी में लाइव कौन जाता है। गांड मरा गिरफ्तारी, फॉलोअर्स की रफ्तार नहीं रुकनी चाहिए। अब दीदी को समझ आ गया ठेला आ चुका है खतरे में, अब निकाल लो अपने पत्ते। सबसे पहला है वुमन कार्ड। लड़कियां अगर कार्ड लगा के खड़ी है ना, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे ठेला लीगल हो या इलीगल। सपोर्ट करो यार, क्योंकि वो एक नारी है, बढ़ते भारत की किलकारी है, और तुम एक चूतिए लड़के हो, 2 कौड़ी के टट्टे हो। दीदी का दूसरा पत्ता है फैमिली कार्ड। मैं कर सकती हूँ, मैं धूप में खड़ी हो सकती हूँ, पर मेरी माँ को आराम देना चाहती हूँ। रुला दिया यार माँ। अच्छा ये जो पाव, ये जो बड़ा फ्राई कर रहे हैं, ये आपके मदर इन लॉ है। ये मेरी माता है। कितना आराम कर रही है माँ। सड़क पे चूल्हा लगा के सामने बिठा रखा माँ को, क्या लग्जरी है। और दीदी सामने खड़े होकर सेल्फियाँ खिंचवा रही हैं, क्या मजदूरी है। अब दीदी का तीसरा पत्ता ये तो सबसे कॉमन है, विक्टिम कार्ड। ये मेरा उंगलियों के निशान मरने में कहाँ है, ये देखो गठाने बन रही है। कहाँ है, ये देखो गाइस मेरे नक्कल पे चुदानी बनी हुई है। हार्ट पेशेंट तो इसके कस्टमर है जो इतना कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। अब हर इन्फ्लुएंसर की तरह दीदी का भी कहना है मुझे पैसों से नहीं मतलब, बस मुझे वही सपोर्ट चाहिए। अच्छा ये फोन देख रहे हो, ये इन्फिनिक्स का GT20 Pro गेमिंग फोन है। 8200 अल्टीमेट प्रोसेसर है, जिससे तुम कोई भी गेम, PUBG हो या COD, कोई भी गेम हाई सेटिंग पे चला सकते हो। इसका डिजाइन भी बढ़िया है, लगता भी गेमिंग फोन ही है। और 90 FPS में गेमिंग कर सकते हो, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, डेडिकेटेड गेमिंग डिस्प्ले चिप है। तो अगर तुम्हें भी एक बैडास गेमर बनना है तो फटाफट फ्लिपकार्ट पे जाओ और इसे ले लो। अब ये फोन में क्यों इंटीग्रेट कर रहा हूँ, पैसों के लिए थोड़ी यार, मुझे बस मालिक का चूपा मारना है। अब जहाँ पर खाना है वहाँ पर कीड़े तो आते ही हैं, मतलब फूड ब्लॉगर ठेले पे पहुँच जाते, कहने को कुछ होता नहीं है। चटनी एक नंबर, चुतियाबा भी एक नंबर, फिर व्यूज भी एक नंबर, एग्जाम में मार्क्स भी एक नंबर। और जब इन्हें कुछ अलग करने को बोलो, बाबा रशियन मंगवा दिया तुम्हारे लिए। फाइन क्या फाइन, इस उम्र में पलंग से पहले तू टूट जाएगा। कितना सुनने में आया कि बिग बॉस में भी एंट्री होने वाली है आपकी। नहीं भाई, बिग बॉस OTT 3 में मैं अपने आप को विनर तक, लास्ट तक देखना चाहती हूँ। पहुँच गए हेडक्वार्टर्स बिग बॉस, इनका T20 वर्ल्ड कप है, सालों बकचोदी करनी पड़ती है तब आता बुलावा। मुझे भी चले जाना चाहिए यार, क्या मैं जा रहा हूँ। क्या ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं अपनी बिग बॉस इंट्रो प्रमोट कर सकूँ जी। अब ठेले को अपाहिज कर दे तो टपरी बन जाती है, और एक टपरी वाला बड़ा फैल रहा है, डॉली चाय वाला। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता। रोज रॉयल रंबल गाड़ी ही नहीं पता कौन सी है। अरे भाई साहब, ये सोच रहा है ये गाड़ी में से चिमटा क्यों निकल रहा है। लोगों को लग रहा है चाय बेच के रोज रॉयल ले ली इसने। मारुति 800 का टायर नहीं है इस पे। एक नॉर्मल चाय वाला गरीब होता है, ये बस मशहूर गरीब है, और जो लोग सही में अमीर है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी चीजें प्रमोट करवा रहे हैं। दुबई ही बुला लिया इसे। धोनी भाई ने चाय से स्टार्ट किया और आज दुबई की सबसे महंगी जगह में खड़े, घास पे खड़ा करवा रखा, पब्लिक प्लेस है। अरे शेख के टट्टो कहीं रूफटॉप पे तो ले जाते, खुद की गरीबी छुपाई नहीं जा रही है, दूसरों को अमीर दिखा रहे हैं। हे भगवान, ऐसा लग रहा है ये सक्सेसफुल है नहीं, लोगों ने जबरदस्ती बना रखा है, ऐसी वीडियो बना रहे हैं। टोनी पहले चाय बेचता था और अब क्या, अभी भी तो चाय ही बना रहा है। हम कौन है छपरी, हम क्या कर सकते हैं? चाय बेच सकते हैं। जमाना मुझे गम नहीं। कमाल की बात है, दिखता भी चाय पत्ती जैसा। कुछ लोग हैं जो बुराई भी मेरी करते हैं और बनना भी मेरी तरह चाहते हैं। इस बकरी के पिशाच की तरह कौन बनना चाह रहा है? मोदी जी की स्ट्रगल स्टोरी को अपनी सक्सेस स्टोरी बना रखा है। नाकामयाबी का चपड़ता है अंधेरा। अरे मेरा गाना क्यों लगा रखा है यार, ये मेरी नाकामयाबी का अंधेरा। इसकी जिंदगी तब बदली जब इसने बिल गेट्स को चाय पिलाई। आज की एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं, जहाँ पता सच में एक चाय वाले के साथ अपना एक नया वीडियो बनाया है। हाय गाइस, बिल हियर। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरी बीवी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मेरा माइक्रोसॉफ्ट है, तो इसलिए मैं इंडिया आया हूँ अपना माइक्रो आर्ट करने। So let's start this vlog. One chai, please. एक सेकेंड सर, वो उसके जैसे ही बोल रहा है, बिल गेट्स ऐसे ही बात कर रहे हैं। गरम है, गलती होगी बाबू, पाँच और टाइगर मुझे हो जाएगा, सॉरी। It's okay, मैं भी अपनी बीवी को यही बोलते थे, वो मारो मारो खैर, छपरे आने में टाइम लगेगा, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है? Oh my God. ये भी तुम्हारे आउटफिट का पार्ट है? एक्सक्यूज मी, ये आउटफिट का पार्ट नहीं है, डोली का स्टाइल है। वाओ, क्या कहते स्टाइल को? छपरी। हम छपरी है। कैसे बनाता है ना चाय, हे भगवान। वाओ मैं भी ट्राई करूं? हे भगवान। अरे डरो मत ना, प्यार से चाटो। मैं बताता हूँ, रुको, ये देखो। अरे ना, वो दूध खत्म क्यों नहीं हो रहा है? सुट्टा पीता है कभी कभी। कौन सी? चौटी गौट। अरे भाव, अरे लो ना भाव, अरे मुंह में लो ना भाव, तुमने बताया नहीं। पक बे चौट, साला बिल गेट्स पहन के निकली थी, शेफ बेजोस बना दिया। ए, बस और बकचोदी नहीं, आराम से दो। रुको, मैं पास प्लेट है। विंडो से आराम से भाव, गरम। अच्छा ही, अच्छा ही। Thanks. Selfie? आ गए मजे? बस यार बस, बहुत ठेले टपरी देख लिया, अब 10 दिन तक तो सड़क पे नहीं निकलूंगा मैं। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, एम करते हैं 3 मिलियन लाइक्स के लिए। और अगर तुम लोग नए हो तो क्या कर रहे हो यार, वो जो सफेद वाला बटन है उस पर चाय फेंक के मारो या फिर बड़ा पाव, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और अगर तुम्हें भी एक बैडेस गेमर बनना है तो फटाफट इन्फिनिक्स GT20 Pro जाके ले लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब चलो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे अरे बिग बॉस देखना पड़ेगा यार। बाय। मोहित, तेरे बचपन की रिकॉर्डिंग मिली है और भाई अब बहुत मिर्ची लग रही है, मेरे छुटाड़ों में से धुआं निकलने वाला है, बहुत तगड़ा वाला भाई साहब, बहुत गले में जलन मच रही है मेरे। मैंने क्या बना दिया पता नहीं, अपने हिसाब से अपने हिसाब से, लेकिन टेस्टी है बड़ी। 2.3 मिलियन लाइक्स तो हो चुके हैं भाई, क्या बात है, फर्स्ट ऑन ट्रेंडिंग। तो भाई लोग जाके देखो, कल आया है वड़ा पाव और चाय। डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में पढ़ लेना जो भी है ना। तो नो हेट ऐसा भी लिखा है, रोस्टिंग मतलब ऐसे कोई हेट नहीं फैला है, तो लिखना ही पड़े ना। हाँ देखते हैं क्या अभी होता है, बवाल लास्ट टाइम की तरह, पता है ना उस रेगुलर में। बाप रे मुश्किल काम है भाई ये, पर अभी क्या कर सकते हैं, करना तो पड़े जो काम स्टार्ट किया है वो, है ना। तो जाओ फटाफट से देखो, 14 मिलियन हो चुके हैं, फर्स्ट वन ट्रेंडिंग है वड़ा पाव और चाय, और कैसा लगा कमेंट करो। एक इसके पहले का वीडियो वो रह गया, ये किया था ना अपन ने, मोटिवेशनल स्पीकर पैरोडी या बिग बॉस और यूट्यूब, ये भी किया था शायद, ये रहा जलवा, ये किया था। नाइस, तो जाके फटाफट कमेंट करो, ये अच्छा है। या सिग्मा मेल जो रह गया वो भी अच्छा था, ये ना दो महीने हो चुके हैं, ये एक दिन में 14 मिलियन। बोलो पता नहीं अभी इतना जा के नहीं जाए, चला जाएगा 43 मिलियन। बाप रे क्या व्यूज आ रहे हैं, बढ़िया। भाई लोग कमेंट करो, और कुछ हो तो भी कमेंट करो आप, भेजो लिंक विंक जो भी है, फनी मीम्स या फिर कुछ भी हो जाए ठहराल वाला, तो हम कर देंगे फटाफट, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बी गुड, यूज, अमीगोस, बाय बाय।